वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अवे शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LNMIIT जयपुर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, यहां पे आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, इसके बाद इस कॉलेज में फीस कितनी लगती है, यहां पे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो किस बेस पे मिलती है, यहां पे प्लेसमेंट कैसी होती है, और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको JEE मेन में कितनी रैंक लेके आनी होगी, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन LNMIIT जयपुर की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगा, जैसा कि हमारे वीडियो का फॉर्मेट होता है। तो यहां पे ये जो कॉलेज है वो 2003 में स्टेब्लिश हुआ था। 100 एकड़ का कैंपस है। इसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक, एमटेक, एमएससी, एमएस और पीएचडी का कोर्स मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक कोर्स के बारे में, ठीक है, जो डुअल डिग्री कोर्स होता है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर का है। एंड यहां से आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो इस कॉलेज का। यहां पे कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, 240, एंड यहां पे एक ब्रांच है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस जैसा ही होता है। इसमें आपको 120 सीट्स मिलती हैं और ईसी में आपको यहां पे 150 सीट मिलती हैं, और जो डुअल डिग्री का कोर्स है उसमें आपको सिर्फ 10 सीट्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी कम है इनके कंपेरिजन में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रैंकिंग की। तो अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो इस कॉलेज की जो NIRF है वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, ठीक है ना, इतनी खास नहीं है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से रैंकिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलेज है वो 2003 में स्टेब्लिश हुआ है और यहाँ पे जो प्लेसमेंट हो रही है करेंट बेसिस पे वो काफ़ी बढ़िया हो रही है, जो वीडियो में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप NIRF तो देख ही सकते हो, NIRF 200 के पार ही है इस कॉलेज की, ठीक है, 200 के अंदर नहीं है। बाकी यहाँ से आप और भी रैंकिंग इसकी देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है। तो ये जो कॉलेज है ये नॉन प्रॉफिट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो नॉन प्रॉफिट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो इस कॉलेज में जो फीस है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है तो आपकी जो फीस है वो थोड़े बहुत मैनेजेबल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस है वो पर ईयर 1,32,500 रुपीज पे करनी होंगी। यहाँ पे एडमिशन लेते टाइम आपको टोटल 1,37,000 रुपीज पे करना होगा। ये आपका ईयरली चार्ज है, ठीक है, सेमेस्टर पे नहीं लग रहा है, ये आपको पर ईयर पे करना हो रहा है, ठीक। इसके बाद अगर हम हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हॉस्टल फीस आपको पे करनी होगी एडमिशन लेते टाइम LNMIIT में वो होगी 45,620 रुपीज, जिसमें हॉस्टल का चार्ज जो कि पर ईयर आपको 21,000 है, ठीक है। तो एक नॉन प्रॉफिट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसका जो चार्ज है वो आपके लिए अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा फीस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कोई NIT नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका जो चार्ज है वो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये एक कॉमन डाउट होता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि LNM में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि JEE मेन मोड से यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो JEE मेन मोड से सिंपल है एडमिशन का प्रोसीजर। सबसे पहले आपको JEE मेन का एग्जाम देना होगा, ठीक है, आप जनवरी का एग्जाम दे सकते हो, अप्रैल का दे सकते हो जो कि अभी लेट हो रहे हैं फिलहाल, या फिर दोनों एग्जाम, ठीक। उससे आपकी जो रैंक बनेगी उसके हिसाब से आपको LNMIIT में एडमिशन के लिए सेपरेट अप्लाई करना होगा। इसकी जो काउंसलिंग है वो JOSA या CSAB के थ्रू नहीं होती है, इसके लिए आपको सेपरेट काउंसलिंग करनी होती है। इसके लिए आपको इस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, या फिर ये जो साइट मैंने ओपन कर रखी है यहाँ पे जाके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो LNMIIT जयपुर के लिए। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो ये JEE मेन मोड है, सबसे पहले JEE मेन का एग्जाम देना है, इसके बाद आपको सेपरेट अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए। अब इसकी जो काउंसलिंग का पोर्टल है वो ऑलरेडी 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 31 जुलाई है, ये टेंटेटिव डेट है, ठीक, ये बढ़ भी सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि इस कॉलेज में अगर आपने JEE मेन नहीं दिया है तो एडमिशन कैसे होता है। तो ये जो एडमिशन होता है ये डायरेक्ट मोड पे होता है। इसके लिए आपको अपने बोर्ड में टॉप करना होगा, ठीक है, अगर आप अपने बोर्ड के टॉपर हो तो फिर आपको LNMIIT में एडमिशन मिल सकता है डायरेक्ट बेसिस पे, आपको JEE मेन देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई ही है और ये डेट भी टेंटेटिव है, और एप्लीकेशन जो है इसके 11 मई 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट मोड के लिए। तो यहां से आप देख सकते हो जो टॉपर है बोर्ड के वो अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज ने एक इंटरनल कमेटी बना रखी है जो
एप्लीकेशन रह जाते हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लिया है तो कुछ सीट्स बच जाती हैं डायरेक्ट मोड की, तो ये जो कमेटी है ये डिसाइड करती है। जो और एप्लीकेशन होते हैं, जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है वो अप्लाई करते हैं, तो फिर ये कमेटी जो है, जो इंटरनल कमेटी है, वो डिसाइड करती है सीट्स के बेसिस पे कि और कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, यानी ये सीट्स को फिल करने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, डायरेक्ट मोड की सीट्स को। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी जिसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मोड से भी, अगर आप अपने बोर्ड के टॉपर हो तो ही ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब बात करते हैं कि ये जो दोनों बेसिस हैं, दोनों मोड हैं, इनमें एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगेगा। तो पहले बात करते हैं जेईई मेन के लिए, तो जेईई मेन के बेस पे एडमिशन लेना है तो जेईई मेन का एग्जाम देना होगा, ठीक है, तो पहला पॉइंट यही मेंशन है कि आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा। दूसरे पॉइंट पे ये कहा गया कि आपको क्लास ट्वेल्थ में मिनिमम 60% लेके आने होंगे। जी हाँ, आपको क्लास ट्वेल्थ में मिनिमम 60% स्कोर करना होगा एंड आपको क्लास टेंथ में भी मिनिमम 60% स्कोर करना होगा। इसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, क्लास ट्वेल्थ में ये जो तीन मेन सब्जेक्ट हैं, इनमें भी आपके 60% होने चाहिए। यानी ओवरऑल तो क्लास ट्वेल्थ में 60% होने ही चाहिए पाँचों सब्जेक्ट मिला के, लेकिन ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इनमें भी आपको 60% लेके आने होंगे, तभी आप एलिजिबल हो LNMIIT जयपुर के लिए, ठीक है। बाकी आपके क्लास टेंथ में भी 60% ही होने चाहिए या फिर उससे ऊपर, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि जो डायरेक्ट मोड से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपने बोर्ड में टॉप तो कर लिया, लेकिन आपके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। पहला तो क्राइटेरिया ये है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं राजस्थान बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो टॉप 2 स्टूडेंट होते हैं अदर बोर्ड के, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में, वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो CBSE के हों या फिर वो अदर किसी स्टेट बोर्ड के हों, ठीक। यहाँ पे जो RBSE वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग सा रिजर्वेशन है। टॉप 10 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं क्लास ट्वेल्थ के, बाकी जो टॉप 2 स्टूडेंट हैं वो अदर बोर्ड के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन स्टूडेंट्स के लिए भी 60% टेंथ क्लास में लाना कंपलसरी है। इनके भी क्लास ट्वेल्थ में तो कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, आप बोर्ड के टॉपर ही होंगे, ठीक है, लेकिन क्लास टेंथ में भी आपके 60% या उससे ऊपर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो फी वेयर की फैसिलिटी है वो आपको कैसे मिलती है। तो होपली आपको एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एडमिशन प्रोसीजर है, इसकी भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये पेज मैंने ओपन कर रखा है इसकी लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आप और भी जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फी वेवर की क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको मेरिट बेस पे मिलती है और दूसरा नीड बेस पे मिलती है, और यहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे कि असिस्टेंटशिप है, तो ये आपको मेरिट कम नीड बेस पे मिलती है। अब इनके बारे में एक एक करके बारी बारी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट बेस स्कॉलरशिप की। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलती है, और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जेईई एडवांस में आपकी ऑल इंडिया रैंक 12,000 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 12,000 के अंदर है जेईई एडवांस में, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर से अपने जो CGPA हैं वो 9.0 या उससे ऊपर रखने होंगे, जो कि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको 9 पॉइंट से ऊपर CGPA रखने होंगे 9.0 से, तभी आपकी ये स्कॉलरशिप जो आपको मेरिट बेस पे मिली है जेईई एडवांस की रैंक के बेस पर वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो ट्यूशन फीस जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 1,32,500 इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। कितनी मिलेगी ये इन्होंने क्लियर कट मेंशन नहीं किया, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कि जो नीड बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है वो कैसे मिलती है। BPL कार्ड होल्डर हैं या फिर वो स्टूडेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का बेनिफिट लेते हैं और उनके फैमिली की इनकम 1,00,000 से नीचे है, तो उन्हें नीड बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक। ये दूसरा पॉइंट इसी पे मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको इस स्कॉलरशिप को सेकेंड सेमेस्टर के और आगे कंटिन्यू करना है, तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए
मिनिमम 6.0 CGPA या उससे ऊपर रखने होंगे और आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका बैक नहीं होना चाहिए, तो आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी सेकेंड सेमेस्टर से। और ये स्कॉलरशिप भी आपको ट्यूशन फीस पे ही मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं मेरिट कम नीड बेस्ड असिस्टेंटशिप, ये क्या होता है। तो ये जो असिस्टेंटशिप है वो आपको जेई एडवांस और जेई मेन के परसेंटाइल के बेस पर मिलती है। आपके जेई एडवांस की जो रैंक है वो 12,000 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल रही थी उसका क्राइटेरिया है, या फिर जेई मेन में आपके परसेंटाइल 95 या उससे ऊपर होने चाहिए, तब आपको जाके ये असिस्टेंटशिप मिलती है। और इस असिस्टेंटशिप को आपको सेकेंड सेमेस्टर से कंटिन्यू करने के लिए जो CGPA है वो 8.5 से ऊपर रखने होंगे, इसके साथ साथ आपकी कोई बैक भी नहीं हो। जिन स्टूडेंट्स को CGPA नहीं पता है, होपली सबको पता होंगे, नहीं पता है तो वो कमेंट कर देना, उनको मैं बता दूंगा पर्सनली, ठीक है ना, वो कमेंट पिन कर दूंगा मैं, जिससे कि और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो मान लो मिस हो रही है, जैसे यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कितने परसेंट आपको ट्यूशन फीस में ऑफ मिलेगा, वो सब मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके और पिन कर दूंगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट को ऊपर दिख जाएगी वो कमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा बोरिंग पार्ट है, ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो असिस्टेंटशिप के बारे में ही है, ये जो पॉइंट 1, 2, 3, 4 रह गए हैं उन्हें आप देख सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये असिस्टेंटशिप एडमिशिबल रहेगी, ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये तीनों पॉइंट पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कैंपस लाइफ के बारे में, इसका कैंपस कैसा है। तो LNM IIT का जो कैंपस है यार, वो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इनके हॉस्टल का भी और इनके कैंपस का भी। एंड यहाँ पे मैंने हॉस्टल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, इनके 5 हॉस्टल हैं जिनमें 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। बाकी हॉस्टल के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो रूम है वो आपको फुली फर्निश्ड मिलने वाले हैं, एंड जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है वो आपको कॉलेज कैंपस के अंदर और हॉस्टल के अंदर काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो स्पोर्ट्स होते हैं इंडोर आउटडोर दोनों की फैसिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है इस कॉलेज में। एंड यहाँ पे अगर हम रूम की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक फ्लोर में 32 रूम हैं, जिनमें 16 रूम सिंगल और 16 रूम डबल हैं, ठीक है, हॉस्टल में। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो फिर आपको जो रूम अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेसिस पे होता है, और ये जो रूम अलॉटमेंट है इसके लिए आपको एक चिट चूज करनी होती है, और उसमें अगर आपको सिंगल रूम अलॉट हो जाता है तो फिर वो रूम आपका है, अदरवाइज आपको डबल रूम में रहना होता है, शेयरिंग रूम में रहना होता है। बाकी जो रूम है वो स्पेसियस है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी डबल रूम में भी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको सिंगल रूम अलॉट नहीं हो रहे हैं और आपको सिंगल रूम में ही रहना है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिंगल रूम में ही रहना पसंद होता है, तो उनके लिए उनके पास एक सॉलिड पॉइंट होना चाहिए या फिर उनके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो वो हॉस्टल मैनेजमेंट को बता सके, फिर उन्हें सिंगल रूम अलॉट हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए, ठीक है ना, सिंगल रूम के लिए, अदरवाइज जो चिट पे निकला है उसके हिसाब से आपको रूम अलॉट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी की। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है वो लाइब्रेरी के विज़न वगैरह को बताती है, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइब्रेरी टाइमिंग वगैरह बताई गई है, लाइब्रेरी के अंदर आपको इतनी बुक मिल जाएंगी कि आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी, ठीक है ना, किताबें आपको काफ़ी मिल जाएंगी। यहाँ से लाइब्रेरी का टाइमिंग बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि मंडे टू सैटरडे ये जो लाइब्रेरी है वो 9 AM to 10 PM खुली रहती है, जो कि काफ़ी बढ़िया टाइम है, ठीक है ना। हॉलीडे में भी ये लाइब्रेरी खुली रहती है आपकी, और एग्ज़ाम के टाइम पे तो काफ़ी एक्टिव रहती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का मेरे हिसाब से और आप सभी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2020 का प्लेसमेंट बताना चाहूँगा, जो इस कॉलेज का अभी तक का बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था वो 58.99 LPA का था 2020 में, एवरेज पैकेज 12.20 LPA का था, यानी 12,20,000 का एवरेज पैकेज था 2020 में LNM IIT का, और जो मीडियम पैकेज था वो 10 lakh का था। और यहाँ पे 2020 में टोटल ऑफर 353 हुए थे और 90.28% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे, ठीक है ना, जो कि एक बढ़िया नंबर होता है। तो 2020 का जो प्लेसमेंट है ना, ये इस कॉलेज का अभी तक का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, ठीक है ना, हाईएस्ट और एवरेज पैकेज के हिसाब से। और जो ऑफर भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं 2019 और 18 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात करते हैं 2019 के प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको 2020 का और भी प्लेसमेंट सिनेरियो जानना है, आपको पता करना है कि किस कंपनी में कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, क्योंकि यहाँ पे अमेजॉन भी आता है, यामाहा भी आता है, ठीक है ना, कई सारी कंपनी है जो आती हैं, तो आप प्लेसमेंट की जो रिपोर्ट है वो इस लिंक के थ्रू
देख सकते हैं, जिसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट LNMIIT के प्लेसमेंट सेल पहुँचेंगे और वहाँ से आप देख सकते हो कि किस कंपनी में कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी कंपनी आती हैं, OLX हो गया, ओयो रूम्स हो गए, सैमसंग हो गया, ये सब कंपनी आती हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कितने स्टूडेंट किस कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 2019 के प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज था वो 36 लाख का था, एवरेज पैकेज लगभग 10 लाख का था, 9.5 लाख के करीब, मीडियम पैकेज जो था वो 8 लाख का था, टोटल ऑफर 246 हुए थे और 96.44% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। सेम यहाँ पे भी वही लिंक दी हुई है, 2019 के प्लेसमेंट की पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरी डिटेल दे दी है। अब आपको अगर कंपनी भी जाननी है कि किस कंपनी में कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, तो आपको वो यहाँ से ही मिल पाएगा, ठीक है। अब 2018 का भी प्लेसमेंट आप देख लीजिए, 29,50,000 का हाईएस्ट पैकेज था, 7.5 लाख का एवरेज पैकेज था, 6 लाख का मीडियम पैकेज था, और अगर हम ऑफर की बात करते हैं तो 233 हुए थे और 91.32% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। तो 2020 में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ऑफर भी आए हैं और हाईएस्ट और एवरेज पैकेज भी 2018 और 19 के कंपैरिजन में ज़्यादा है इस कॉलेज का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि NIRF के बेस पे आपको कॉलेज को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार NIRF जो है वो आपको कई सारे फैक्टर के बेसिस पे मिलती है, ठीक है ना। आपको बेसिकली मतलब होता है उस कॉलेज के प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो हर साल अमेजोन ही देता है, लगभग हर साल अमेजोन हाईएस्ट पैकेज देके जाता है। और 2020 में ओयो रूम्स ने भी यहाँ पे काफी सारे रिक्रूटमेंट किए हैं, ठीक है। और सैमसंग भी यहाँ से काफी सारे स्टूडेंट लेके जाता है, लगभग 25 से 30 लोग लेके चला जाता है सैमसंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज के कट ऑफ क्या हैं। तो यहाँ पे देखो, कट ऑफ जो हैं LNMIIT के वो 2018 के बाद हमें नहीं मिले हैं बेसिकली, ठीक है ना। 2018 के कट ऑफ मिले, 19 के कट ऑफ यहाँ पे हमें मिले नहीं हैं इन्होंने, या फिर शेयर ना किया हो। अगर किसी स्टूडेंट को मिल जाता है तो वो कमेंट में मेंशन कर देगा, हम और भी स्टूडेंट्स को कट ऑफ बता देंगे। बाकी अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज 2018 के हिसाब से इसके कट ऑफ बताना चाहूँ, तो सीधी सी बात है यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो रही है तो कट ऑफ भी हाई होगा, ठीक है ना, और स्टूडेंट जो है वो इसकी ओर रुख करेंगे। तो जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड 2020 के, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और मैं श्योर भी हूँ कि इससे कम तो नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। इससे कम कट ऑफ आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि इससे ऊपर ही मिले, क्योंकि कंपटीशन इस कॉलेज में काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहां से आप कट ऑफ देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्लोजिंग रहने वाली है वो 30,000 के अंदर ही रहेगी LNMIIT की, और मैकेनिकल की जो क्लोजिंग रैंक है वो 75,990 के करीब होने वाली है। एंड यहाँ से डुअल डिग्री का भी आप देख सकते हो। बाकी अगर हम परसेंटाइल के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे परसेंटाइल भी हमने बता दिए हैं, ठीक है। 95 या 90 प्लस परसेंटाइल आपके आ रहे हैं, अगर आप 90 प्लस परसेंटाइल लेके आ रहे हो जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको LNMIIT में मैकेनिकल या फिर और कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है ना। मैकेनिकल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी ईसी आपको मिल सकता है डुअल डिग्री, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि 90% है या 95-96 है। 95 प्लस होंगे तो आपको सीएस मिलने के चांसेस हो सकते हैं LNMIIT में, ठीक है ना। हो सकता है आपको डुअल डिग्री कोर्स मिल जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी 2018 के जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। 2018 के कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हो, जो सीएस की क्लोजिंग थी वो 34,750 थी। अब आपको अगर एग्जैक्ट कट ऑफ बताने हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स का फायदा हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं मिले तो मैंने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। डेफिनेटली इससे कम तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है, ये मुझसे कोई लिख के ले ले, ठीक, इससे हाई कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जिसकी रैंक 1 लाख तक हो तो उसके पास चांसेस हो कि उसको एडमिशन मिल जाए इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन LNMIIT जयपुर के बारे में। वीडियो होपली आपको पसंद आई होगी, वीडियो काफी काम की है यार, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, वीडियो में जितना लाइक ठोक सकते हो ठोक दो यार, हमें ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को प्रेस करते जाएं, ताकि अगर हम और कोई वीडियो डालते हैं किसी और कॉलेज से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी किसी कॉलेज पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस कमेंट पे ज्यादा से ज्यादा लाइक लाइए, वो वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने होगी, ठीक है। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत, गुड बाय।